गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखिए, हम रस्किन बॉन्ड की एक फेमस स्टोरी थीव्स स्टोरी पढ़ रहे थे, उसकी समरी देखे, और समरी में बड़ी ही सरलता से आपको बताया था कि ये जो कहानी है, ये हरी सिंह नाम के एक चोर, 15 वर्षीय चोर के इर्द गिर्द घूमती है, जो किससे मिलता है, अनिल से। अनिल की आयु कितनी, 25 वर्ष। ये पूरी कहानी सुना कौन रहा है, हरी सिंह, यानी वो नरेटर है, क्या है, चोर है, कितने वर्ष का, 15 वर्षीय। और ये जो पूरी कहानी है वो किस बारे में है, कि गुडनेस यानी अच्छाई से आप सब कुछ कर सकते हैं, बुराई को भी हरा सकते हैं, बुराई को भी बदल सकते हैं, इतना मैंने समरी में बताया। पार्ट वन में मैंने हरी सिंह का और अनिल का करेक्टर स्केच बड़ी ही सहजता और संयमता से आपको बताया। होप आपको समझ भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्लासरूम में अपना चलता था, वैसे ही अध्ययन अपना चल रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई क्लासरूम में जो है मैं आपके सामने था, और अभी आप इतना ही है कि मेरी केवल आवाज़ सुन पा रहे हैं, बाकी तो लेसन वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम से भी ज़्यादा बेटर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देख भी रहे हैं, इस बात को महसूस भी कर रहे हैं, इसको और भी अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, अब देखना, पार्ट टू में इतनी तय हो गया था कि हरी सिंह को अनिल कहाँ ले गया, अपने घर। उसका घर कहाँ है, स्वीट शॉप है, एक मिठाई की दुकान है, उसके ऊपर उसका कमरा है, वहाँ ले गया। और क्या कहा कि आप कहाँ सो जाना, बालकनी में। और उस दिन जो भी हरी सिंह ने खाना बनाया वो कैसा था, टेरिबल। प्रश्न बनेगा आगे, इसलिए बता रहा हूँ कि अनिल ने वो खाना स्टेरे जो आवारा कुत्ता है उसको क्यों दे दिया, क्योंकि वो खाना क्या था, टेरिबल था, यानी खराब था, खाने लायक नहीं था। ये बात हम भी जानते हैं कि जो व्यक्ति खाना बनाना नहीं जानता, और यदि वो खाना बनाता है तो वो इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता, उसको हम नहीं खा पाएंगे। ठीक है जी, उससे आगे देखते हैं। एक बार अनिल गुस्से में उसको ये भी बोल देता है कि आप चले जाओ, लेकिन हरी सिंह वहीं मुंडर उसके आसपास मंडरा रहा है, चक्कर काट रहा है और मुस्कुरा रहा है। 15 वर्षीय बच्चा ही है, आप ये कह सकते हैं। तो फिर अनिल जो है उसको हंसी आ जाती है, अनिल 25 वर्षीय परिपक्व हुआ है, और वैसे भी वो पत्रिकाओं के लिए लिखता है, तो आप कह सकते हैं कि उसका हृदय काफ़ी सहज है। देखिए, लेटर बाद में ये ही आया है अनिल के लिए, ही पैटिड मी, पैटिड करते थपथपाना, मी आया है हरी सिंह के लिए। इस पूरी कहानी में फर्स्ट पर्सन जो आई, माई और मी रहेगा वो किसके लिए है, हरी सिंह के लिए। ठीक है जी, थपथपाया ऑन द हेड, मेरा सर है उसको थपथपाया, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई वुड टीच, ही वुड टीच मी टू कुक, कि वो मुझे सिखाएगा कि किस प्रकार खाना पकाना है, अच्छा व्यक्ति है वो, इसलिए। ही आल्सो टॉट मी, और उसने मुझे सिखाया टू राइट, लिखना माई नेम, क्योंकि हरी सिंह एक चोर था, बाई प्रोफेशन आप कह सकते हैं, पैसे से वो एक चोर था, तो पढ़ाई लिखाई का तो कोई लेना देना ही नहीं। अनिल पैसे से एक लेखक है, तो उसने उसको नाम लिखना सिखा दिया। एंड सेड, और ये भी कहा, ही वुड सून टीच मी, वह जल्द ही, सून का अर्थ जल्द ही, वुड मॉडल है, आप जानते हैं, फ्यूचर को दिखाई रहा, तो मुझे सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, उसने मुझे कहा। एंड टू एड नंबर्स, और मुझे संख्याएं जोड़ना भी सिखाएगा, यानी आप कह सकते हैं जोड़ घटा भाग ये सिखाएगा। कहानी काफ़ी पुरानी है, यूं कह सकते हैं आप 70-80 वर्ष पुरानी कहानी है, तो उस समय जिसको लिखना पढ़ना आता है, काम चलाओ, वो भी ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। आई वॉज ग्रेटफुल, देखिए ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, क्या होता है जी, आभारी, मैं आभारी था किसका, अरकोन, तो मैंने अभी सिखाया आई माई और मी, फर्स्ट पर्सन किसके लिए रहेगा, हरी सिंह, हरी सिंह आभारी है किसका, अनिल का, क्यों, प्रश्न बने क्यों, क्योंकि उसने क्या सिखाया, उसे खाना बनाना, नाम लिखना, संख्याएं जोड़ना, और ये भी कहा कि मैं आपको पूरे वाक्य लिखना भी सिखाऊंगा। आई न्यू, देखो चोर भी जानता था, वो कह रहा है 15 वर्षीय चोर कह रहा कि मैं जानता था, डेट वंस, कि एक बार, आई कुड राइट, यदि मैं लिख पाया, लाइक एन ओल्ड मैन, एक एजुकेटेड मैन, शिक्षित व्यक्ति की तरह यदि मैं लिख पाया, देयर वुड बी नो लिमिट, फिर कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई बंदिश नहीं रहेगी,
टू वॉट आई कुड अचीव। वो कह रहा है कि मैं फिर कुछ भी अचीव कर सकता था, कुछ भी प्राप्त कर सकता था, यानी बड़ी से बड़ी उपलब्धि मैं हासिल कर पाऊंगा, ये मैं भी जानता था। कब? यदि एक बार मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया। यानी बात सीधी है कि यदि मैं शिक्षित हो गया, एजुकेटेड हो गया, तो ये बात चोर हरि सिंह, 15 वर्षीय चोर हरि सिंह भी जानता है कि पढ़ाई का कोई भी बराबरी नहीं है। पढ़ाई की वैल्यू अलग है, पैसे की वैल्यू अलग है। चोरी वगैरह कर लेगा, थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेगा, तो उसका कोई ज़्यादा समय तक में वो टिकता नहीं है, क्योंकि पढ़ लिया तो उसको नियमित रूप से इनकम होगी, जैसे अनिल कर रहा है। ठीक है जी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, क्वाइट करते ठीक ठाक, प्लीजेंट करते सुखद, कि ये काफ़ी अच्छा कार्य था, काफ़ी सुखद था। क्या था जी काफ़ी सुखद? वर्किंग कार्य करना फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए कार्य करना काफ़ी सुखद था, कोई ज़्यादा मुश्किल मुझे आती नहीं थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैं चाय बनाता। मैंने फिर कहा आई माई और मी, फर्स्ट पर्सन किसके लिए रहेगा? हरि सिंह के लिए, क्योंकि वो इस कहानी में क्या है, नरेटर है, पूरी कहानी वही सुना रहे हैं। तो उसने कहा कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह किसके लिए चाय बनाता? अनिल के लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और फिर मैं अपना समय लेता, किस बात के लिए? बाइंग, खरीदारी करता, मैं बाजार जाता। द डेज सप्लाई, पूरे दिन की जो आपूर्ति के लिए चाहिए, जैसे सब्जी, दाल, चावल, चीनी, जो भी चाहिए वो सब लाने के लिए मैं बाजार चला जाता। यूजुअली, साधारणतः। अब चोर है, आप जानते हैं कि चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जा सकता। वो कह रहा है यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, और मैं सामान्यतः मेकिंग का अर्थ बना लेता था, प्रॉफिट का अर्थ लाभ, ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, लगभग एक रुपए वो रोज कमा लेता था। कैसे? हेराफेरी करता था, 20 का सामान लिया और दिखा दिया 21 का, या फिर 25 का दिखा दिया और 24 का सामान लिया, तो एक रुपए की हेराफेरी रोज करता था। अब एक बात और देखना आप, बहुत शानदार है, अपने व्यक्तित्व में भी उतारनी चाहिए। देखना, मैं बताऊंगा कैसे उतारनी चाहिए। आई थिंक, हरि सिंह बोल रहा, मैं सोचता हूं, ही न्यू, कि अनिल को पता था, आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा धन है बनाता हूँ, कमाता हूँ थोड़ा सा, दिस वे, इस ढंग से। बट ही डिडंट सीम टू माइंड, लेकिन वो जो है अनिल, वो कभी ये बात दिखाता नहीं था, ध्यान नहीं देता इस तरफ। अब आप देखना, मैं क्या कह रहा था कि हमें माननी चाहिए। मैंने कई बार, हमें पता रहता कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हमारी बुराई कर रहा है, कुछ और है, जो भी, और फिर हम सब कुछ पता है और फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान न दें, इग्नोर कर दें, ये कला बड़ी शानदार होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, मतलब उसका, उन लोगों का व्यक्तित्व शानदार रहता है, प्रभावशाली। अनिल मेड मनी, अनिल धन कमाता था, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए जी, फिट्स एंड स्टार्ट्स का अर्थ होता है अनियमित रूप से धन कमाना। वैसे तो इसका हिंदी अर्थ होता है, ये एक इडियम है, इसका अर्थ होता है अजीबोगरीब ढंग से पैसे कमाना। अजीबोगरीब कुछ नहीं है, वो आर्टिकल लिखता है, मैगजीन लिखता है, लेकिन हरि सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको क्या पता कि लिखने के पैसे होते हैं, तो उसको तो लगता है कि अजीब ही है। देखना, ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह के लिए वो पैसे उधार लेता। स्वाभाविक बात है, वो राइटिंग करेगा तो उसको कई चीज़ें चाहिए, कैनवास चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, तो इतने पैसे उसके पास थे नहीं, आते थे वो खर्च कर देता था, तो उधार लेता। ठीक है, लेंट द नेक्स्ट, लेंट उधार देना, अगले महीने उधार देता, अगले सप्ताह उधार देता। तब तक उसका कोई आर्टिकल बिक गया, कोई किताब बिक गई, कोई कहानी बिक गई, पैसे आ गए, सारे पैसों का क्या करता फिर? वो उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग, वो हमेशा चिंतित रहता अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट, अगला चेक का, चेक को तो आप जानते हैं, जो रुपए पैसे बैंक से लेने देने किए जाते हैं, तो उसकी परवाह करता। तो स्वाभाविक बात है, एक लेखक है, आर्टिकल बेचेगा तो उसको कैश तो मिलेगा नहीं, भी नगद पैसे तो मिलेंगे नहीं, नगद पैसे दिहाड़ी मजदूर उसको मिलते हैं। इस तरह जो आर्टिकल मैगजीन्स के लिए लिखता है, आगे आएगा ये, तो आप मान के चले उसके पैसे अकाउंट में आएंगे या फिर चेक से आएंगे। ठीक है जी। बट एज सून एज इट अराइव्ड, ये जो इट है ना, ध्यान से देखना, ये चेक के लिए आया है। एज सून एज का अर्थ है जैसे ही वह चेक पहुंचता, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता, एंड सेलिब्रेट, और आनंद करता, मनोरंजन करता, इंजॉय करता। तो शहर में ऐसा रहता है जी,
आप जानते हैं जो बड़ी सिटीज रहती हैं उनमें वो सप्ताह के अंत वाले दिन यानी वीकेंड वाले दिन सैटरडे को इंजॉय करते हैं, फिल्म वगैरह या जो भी पब वगैरह जाना वो ऐसा करते हैं। इट सीम्स, यह प्रतीत होता था, ही रोट फॉर मैगजीन्स, इतना तो वो समझ गया था हरि सिंह कि ऐसा लगता था कि वो किसके लिए लिखता है, मैगजीन्स के लिए। आगे प्रश्न बनेगा मैगजीन्स की स्पेलिंग हमेशा करेक्ट होनी चाहिए आपकी, कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, यही वर्ड लिखना होगा, और हम कुछ नहीं लिख सकते, न्यूज़पेपर नहीं लिख सकते। ए कवियर, देखिए कवियर का कवियर ऐसे लिखेंगे, कवियर का अर्थ होता विचित्र, वे का अर्थ ढंग, टू मेक ए लिविंग, लिविंग का अर्थ है जीविका, यानी जीविका चलाने का एक विचित्र तरीका, धन कमाने का एक विचित्र तरीका। विचित्र कुछ नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि हरि सिंह अनपढ़ था तो उसको लगता है ये करता क्या है। ठीक है जी। वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम, मैंने फिर बताया ही किसके लिए आएगा, अनिल के लिए। अनिल आया घर विद ए बंडल ऑफ नोट्स, और बंडल कैसा है, स्मॉल, बंडल का अर्थ होता है जी गड्डी, वैसे तो गुच्छा होता है, लेकिन ये बंडल वो बंडल नहीं है, आगे नोट्स लिखा है तो पैसों में गुच्छा तो हो नहीं सकता, तो पैसों में क्या हो सकती है, गड्डी, एक छोटी सी गड्डी ले रखी उसने नोटों की। सेइंग, और ये कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, ये अभी मैंने आपको सिखाया था कि मैंने अभी अभी क्या बेचा है, एक किताब को बेचा है टू ए पब्लिशर, ये बताता हूँ आपको पब्लिशर क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रकाशक। ध्यान से देखना कि किताब लिखने वाला व्यक्ति कोई और होता है और प्रकाशक कोई और होता है, जैसे संजीव प्रकाशन, संजीव बासु लिखने वाला नहीं है, संजीव प्रकाशन तो इसको प्रिंट करने वाला है, उसकी संजीव वाले की आप ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग मशीन है, लिखने वाला कोई और व्यक्ति है, समझ गए। ठीक है जी। एट नाइट, और रात में, आई सो हिम, और मैंने उसे देख लिया, फिर बताया आई माई और मी किसके लिए, हरि सिंह के लिए, मैंने उसे देखा, टक का अर्थ होता ठूसते हुए, धकेलते हुए, द मनी धन को, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का था घंटा, ये तो बस उसका खुराफती दिमाग, वो पैसे देखते ही तैयार हो गया था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे अपना काम करना है, वो वहाँ रहने के लिए नहीं आया था, ना ही पढ़ाई लिखी सीखने के लिए आया था, उसको तो चोरी करनी थी, और आज मौका मिला है पहली बार 2-3 महीने में कि अब काम बनेगा। ठीक है जी। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, देखिए आई हैड बीन वर्किंग, मुझे काम करते हुए अनिल के लिए लगभग 1 महीना हो गया था, एंड अपार्ट, अपार्ट करते के अलावा, फ्रॉम से चीटिंग, जो वो हेराफेरी करता था, ऑन द शॉपिंग, खरीदारी, खरीदारी करके कितना पैसा बनाता, 1 रुपया, कि जो खरीदारी में मैं हेराफेरी करता उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन माई लाइन ऑफ वर्क, इन माई लाइन ऑफ वर्क करता था मेरा करिए, अब मेरा करिए क्या, उसका करी क्या था, मूल पेशा क्या था हरि सिंह का, चोरी, बोला मैंने मेरे जैसा करी कोई किया ही नहीं, और उसका जैसा करी का मतलब आप समझ रहे हैं चोरी करना। ठीक है जी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हैड करता थी एवरी, प्रत्येक अपॉर्चुनिटी, अवसर फॉर डूइंग सो, वो कह रहा है कि जबकि मेरे पास ऐसा करने का बहुत अवसर था, क्या करने का, चोरी करने का, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों था देखना, अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझको दे रखी थी ए की टू द डोर, एक चाबी अनिल ने दरवाजे की मुझे भी दे रखी थी, यानी आप ये कह सकते हैं कि अनिल ने हरि सिंह पे आंख बंद करके विश्वास कर रखा था। ठीक है जी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, प्लीज्ड करता मर्जी, मेरी मर्जी से मैं आ सकता था और जा सकता था, जब मैं चाहूँ आऊँ और जब मैं चाहूँ मैं जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, देखिए ट्रस्टिंग विश्वसनीय पर्सन व्यक्ति, आई हैड एवर मेट, वो कह रहा है कि आज तक मैं जितने लोगों से मिला उनमें से वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, यानी उसने मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया, तो विश्वास को तोड़ना इतना आसान कार्य नहीं होता। ठीक है जी। एंड दैट इज वाई, और यही एक वजह रही, इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था, टू रोब, रोब का अर्थ होता जी लूटना, हिम का अर्थ है, ये हिम किसके लिए है, अनिल के लिए, और यही एक वजह थी कि अनिल को लूटना बहुत मुश्किल कार्य था। इट इज इजी, बहुत आसान होता है टू रोब, लूटना ए ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, कोई परवाह नहीं होती उसको, लेकिन बिकॉज, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, देखिए रोब्ड का अर्थ होता है चोरी करना, वो कह रहे हैं लालची व्यक्ति को लूटना बड़ा सरल है क्योंकि वह इसको क्या करेगा, अफोर्ड करेगा, और अफोर्ड का अर्थ होता है वहन करना, सहन करना, वो किसी और में निकाल लेगा हेरा फेरी करके,
और ये व्यक्ति है सीधा साधा, बिल्कुल सरल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है। बट लेकिन इट इज डिफिकल्ट, लेकिन बहुत मुश्किल होता है टू रोब, लूटना एक केयरलेस मैन। केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह व्यक्ति। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो लापरवाह हो उसको लूटना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। क्यों? समटाइम्स कई बार तो ही डजेंट इवन नोटिस, कई बार तो वो ध्यान ही नहीं देता ऐसा व्यक्ति। क्या हो गया? ही हैज बीन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया, चोरी हो गई घर पे, वो ध्यान ही नहीं देता। एंड डेट टेक्स, और यदि हमने चोरी कर ली और सामने वाला कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है तो ये चीज क्या छीन लेती है, टेक्स ले लेती है, छीन लेती है ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। वर्क चोरी का करिए, प्लेजर करता है खुशी, तो उस कार्य में फिर मजा नहीं आता। बोलो जी, चोरी में मजा नहीं आता। देखो, चोर को चोरी की है उस घर से चीख आनी भी जरूरी है, बोले सामने वाले ने कुछ किया ही नहीं, बताया नहीं, रोया ही नहीं, तो फिर मजा नहीं आता चोरी का। ये ऐसा हरि सिंह का विचार है। वेल, खैर, इट इज टाइम, समय हो गया था, आई डिड सम रियल वर्क। उसने कहा खैर इस बार मुझे कुछ वास्तविक कार्य करना था। वास्तविक कार्य हरि सिंह के लिए क्या है? चोरी, अर्थात चोरी करनी है। आई टोल्ड माई सेल्फ, बोल रहा है मैंने अपने आप से कहा, अपने आप से बात की, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, हालांकि मेरा अभ्यास छूट गया था, चोरी नहीं कर रहा एक महीने से, चोर है, चोर चोरी मैंने बताया उससे जा नहीं सकता। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और देखना एक्सक्यूज क्या दे रहा है। तो बोला यदि मैंने धन नहीं चुराया, मान लो ये पैसे मैंने नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट, तो ये ही फिर आप पत्र अनिल के लिए है कि अनिल इस पैसे को बर्बाद कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और साथ में एक और उदाहरण भी दिया, भाई ये मुझे वेतन थोड़ी ना देता है, मैं तो ऐसे ही खाना बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, तो मुझे धन चुरा लेना चाहिए। दो वजह बताई, एक ये अपने मित्रों पैसे खर्च कर देगा, दूसरा कि मुझे वेतन थोड़ी ना देता है, ये चोरी करने की वजह है। चोरी ना करने की वजह वो काफ़ी केयरलेस है, काफ़ी ट्रस्टिंग है, तो वो बोल रहा है कि ये थोड़ा कार्य मुश्किल है। इससे आगे का पार्ट हम देखेंगे। अब करते हैं कुछ अपने काम की बात। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, एक दो दिन और भी मिल जाएं, इसके साथ ही आपको आज ऐप पर भी दिखेगा। ऐप पर जब आपको ये वीडियो दिखेगा तो जैसे ही पाठ पूरा होता है मैं प्रश्न उत्तर डालता हूँ, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 30 होते हैं, और उसी समय गणित विज्ञान सामाजिक के और भी डलते हैं, तो कार्य थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक दिन में करना संभव नहीं है, मैं समझ सकता हूँ दो में भी संभव नहीं है, शायद तीन दिन भी लग जाए। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि मैं क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे उनको तीन पार्ट में या चार पार्ट में भेजता रहूँगा, जो जो प्रश्न उत्तर जिस पैसेज से आते रहेंगे वो आपको भेजता रहूँगा, और आप उसी सीरियल नंबर से आप उनको नोट करते रहें। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो है हम अगले पार्ट से शुरू करेंगे, अगले वीडियो से अगले पार्ट को शुरू करेंगे। ये आपका आज का पार्ट नंबर 2 हो गया। तो आज आप ये घबराना मत कि सर इसके ऐप में इसके साथ ही हमें क्वेश्चन आंसर मिल गए, वो क्वेश्चन आंसर कम दूंगा मैं अभी, 3 या 4 टुकड़ों में, क्योंकि अमूमन एक पार्ट है वो 4 पार्ट में बनता है, तो क्वेश्चन आंसर आपको 4 पार्ट में मैं दे दूंगा।